नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के लौरिया क्षेत्र से आ रही है। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं मुजीबुल्ला और आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। अभी हम लौरिया नगर पंचायत में हैं और यहाँ चुनावी संग्राम का आरंभ हो चुका है। थोड़े दिन बचे हुए हैं और सारे के सारे प्रत्याशी अपने अपने दमखम पे अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं, अपना अपना भाग आजमा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद, नगर के लोगों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो और वो विजयी घोषित हो सकें। तो इसी क्रम में हम एक ऐसे प्रत्याशी से मिलने जा रहे हैं जो यहाँ उपसभापति के प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं और चुनाव अपने दमखम पे लड़ने जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके लड़ने का उद्देश्य क्या है, विच काइंड ऑफ मोटिव और विच काइंड ऑफ टारगेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। सर, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम सोनू शुक्ला है और मेरी माँ जो है उपसभापति के पद पे यहाँ पे लड़ रही हैं और हम एक मानव सेवा संगठन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं लौरिया के। आज 5 साल से हमने यहाँ पे सेवा दिए हैं, हर तरह का सेवा जो जो आज तक लौरिया के इतिहास में नहीं हुआ था वैसा सेवा हम दिए हैं। जैसे रक्त शिविर का आयोजन यहाँ पे लौरिया में शुभारंभ हमने किया, यहाँ पे आई शिविर लगाया, 725 आदमी का उसमें लाभान्वित किए। इस तरह का तमाम हर कड़ाके की ठंड में जो भी असहाय हैं लौरिया के उसके लिए हमने कार्य किया। अगर कोई असहाय है और अगर दवा से पीड़ित नहीं, दवा वगैरह का जरूरत है तो उसके लिए अगर हमसे जितना बन पाया किया, अगर उससे भी ज़्यादा अगर कोई वृहद मरीज उसके लिए भिक्षाटन करके भी हम लोगों ने लौरिया के लोगों के साथ खड़ा रहा। और आज मेरी माँ जो है उप चेयरमैन से यहाँ पे लौरिया से शांति देवी खड़े हैं और हम सभी सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। दूसरी बात कि हम लौरिया के जनता से अपील करना चाहते हैं कि हम एक समाज सेवी हैं। मेरे पिताजी मिश्रा टोला लौरिया रहते हुए लक्ष्मीपुर बस स्टैंड से पंच में जीत के लौरिया उप सरपंच 5 साल रहे हुए हैं, पर 5 साल के कार्यकाल में वो बहुत ही स्वच्छ छवि के साथ एकदम क्लीन व अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं। हमें एक मौका दिया जाए, आज लौरिया में सबसे बदतर स्थिति एम्बुलेंस का है। मेरा मुद्दा है यहाँ का विकास का नारा है, हम यहाँ के कर्म किए हैं और कर्म करना चाहते हैं। बार बार मानव में जन्म नहीं होगा, यह जन्म मिला है मानव तन को, तो हम अपने जन्म भूमि को सजाने के उद्देश्य से ये राजनीतिक में हम लोग प्रवेश किए हैं कि यहाँ आज एम्बुलेंस सुविधा नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, आज यहाँ नाला का विकास नहीं है, बरसात में हम लोग को आए दिन दिक्कत होते रहती है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, आज हर जगह भ्रष्टाचारी है, इस पे हम लोग काम करना चाहेंगे। आज लौरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चोरी चपाटी का बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी बढ़ गया है, बाइक चोरी वगैरह का, इस पे लगाम लगेगा कि ये कैसे लगाम लगे, यही सब मेरा उद्देश्य के लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल जी सर, महिला सुरक्षा, महिला एजुकेशन, इस पे आप क्या कहेंगे, आपका क्या है मोटिव? आज सरकार का आज सरकार का सराहनीय कार्य है कि महिला को वो आगे ला रहे हैं, मैं इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ दूसरी बात कि आज महिला हर एक चीज़ में कदम से कदम मिला के चल रही है, हमारी महिला सब आज महिला प्रत्याशी भी हमारे नगर पंचायत से चेयरमैन उप चेयरमैन सभी पे हैं, मेरी माँ भी हैं महिला, आज सभी महिला लोग आगे हैं और महिला का सुरक्षा हर इंसान का दायित्व बनता है, हर मानव का दायित्व बन रहा है कि महिला का सुरक्षा करें, महिला का सम्मान करें। महिला हमारे जननी है और उस जननी को सभी महिला को नमन है। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल पे आए, आपका धन्यवाद। संक्षेप में आप 28 तारीख के लिए अपने मतदाता से क्या अपील करना चाहेंगे? वेरी शॉर्ट, मतदाता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि कोई चुनाव चिन्ह पे आया है वोट मांगने के लिए, आपके दरवाजा पे जा रहा है, कोई अपना पहचान लेके जा रहा है, और मैं जो हूँ अपने कर्म के बल पे आज 5 साल का जो कर्म किया हूँ आज उसका मजदूरी मांगने के लिए मैं आ रहा हूँ कि आज हमारा मजदूरी दे। थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। मैं मुजीबुल्ला, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ विव इंडिया न्यूज़ लौरिया।